लगभग 7:45 के करीब एक फायर इंसिडेंट की कॉल आई थी, यहाँ पे एक पीजी में आ गए और उसके बाद तुरंत लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे पहुंची है और सभी स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग को सेफली रेस्क्यू किया गया है और अभी ऐसी कोई किसी को इंजरी नहीं है इस तरह की और कोई कैजुअलिटी कोई नहीं है। ऑल आर सेफ। पैरों से इसी जब देखने पाया शॉर्ट सर्किट लग रहा है तो बिजली के मीटर में लग रहा है। क्या एग्जिट और एंट्री पॉइंट सिंगल पॉइंट का या नहीं? अभी जो देखा हमने दो पॉइंट है, उसमें दो पॉइंट वो अभी देखो मेट्रो में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर नो नो सर इंजीनियरिंग एक और बात की क्या फायर वगैरह कभी इनके पास इक्विपमेंट है या फिर वो मेट्रो इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। इससे पहले भी इसी जगह पे एक आग लगी थी और इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, एक्चुअली भी अलग से कार्रवाई कोचिंग सेंटर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उस पर लीगल एक्शन लिया। पुलिस की तरफ से क्या कुछ लीगल एक्शन हो रहा है, बाकी जो भी लीगल चल रहे हैं जो भी उसमें एक्शन बनेगा वो देखेंगे। तमाम कोचिंग सेंटर से बोलेगा नहीं, ये मैं तमाम की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि एनसीडी का भी मैसिव ड्राइव चल रहा है। दैट मैटर इज अंडर मॉनिटरिंग ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो उसके हिसाब से जो भी डायरेक्शन होगी कोर्ट की उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। नो नो नो, कितनी गाड़ियां थी सर मौके पर? फायर ब्रिगेड की 4-5 गाड़ियां पहुंची थी।